अंकुश आवाज आ रही है? अंकुश, खुशी, ओमकार, अभिषेक, वेरी आयुष। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके, लेट मी नो कोहरेंट सोर्सेस के बारे में मैंने क्या बताया है आप लोगों को? कोहरेंट सोर्सेस के बारे में क्या बताया है? हाँ, स्पीकर। प्राची, सर मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम? अरे कोहरेंट, कंस्ट्रक्टिव नहीं, कोहरेंट। महालक्ष्मी, यस सर। कोहरेंट सोर्सेस के बारे में मैंने क्या बताया है? कुछ तो बताया होगा ना कोहरेंट सोर्सेस के बारे में मैंने। यस और नो? यस सर। क्या बताया? कोहरेंट सोर्सेस का मतलब होता है गाइस, वी हैविंग अ टू सोर्सेस, टू सोर्स ऑफ लाइट, दे बोथ आर हैविंग अ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज, एंड दे बोथ आर इंडिपेंडेंट विद द ईच अदर। कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, समझ रहे हो आप लोग? वी हैविंग अ टू सोर्सेस व्हिच एमिट्स द वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, हैविंग अ सेम फेज, आइदर वी कैन से कांस्टेंट फेज, जिसके जिसके वजह से हम लोग ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। सपोज हम लोगों के पास एक यहाँ पे सोर्स है, सिंगल सोर्स। अब लोगों ने इसके सामने एक शीट रख दी। अब इस शीट में हम लोगों ने दो गैप बना दिए और दोनों गैप क्या है, सेम है। यस और नो? तो ये जो लाइट्स है ये दोनों से पास होगी। अब दोनों में मैंने सेम होल ड्रिल किए हुए हैं तो दोनों से जो इंटेंसिटी निकलेगी वो बराबर निकलेगी। यस और नो? यस और नो एवरीवन? यस सर। यही था ना कोहरेंट सोर्सेस, जहां पे मैंने आप लोगों को कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताया था। यस और नो? यस सर। अब कोहरेंट सोर्सेज में मैंने वहां पे क्या बोला हुआ था, एक ही चीज बताया था कि एक सोर्स है और उसके सामने एक शीट रख के उसपे हम लोगों ने दो गैप बना दिया। दोनों को गैप, दोनों जो गैप थे उन दोनों का जो विड्थ था दोनों का सेम है, मतलब दोनों से जो भी लाइट एमिट होगी दोनों की इंटेंसिटी, उनका फेज, उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होगी। यस और नो? यस सर। ओके, तो अब गाइस कोहरेंट सोर्सेस के दो और मेथड हैं, मेथड्स टू ऑब्टेन द कोहरेंट सोर्सेस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में कोहरेंट सोर्सेस कैसे बनाते हैं वो जानना है आप लोगों ने। स्क्रीन दिख रहा है मेरा आप लोगों को? यस सर। देखो दो डायग्राम है यहाँ पे, लॉयड्स मिरर एंड फ्रेशनल बाय प्रिज्म, दिखाई दे रहा है? लॉयड्स रिजन, सॉरी, लॉयड्स मिरर एंड फ्रेशनल बाय प्रिज्म। गाइज ये और दो एक्स्ट्रा मेथड हैं जिससे कोहरेंट सोर्सेस बनाया जाता है, समझ रहे हो आप लोग? कौन से सोर्सेस बनाए जाते हैं? कोहरेंट सोर्सेस। कोहरेंट सोर्सेस, कोहरेंट सोर्सेस में कितने सोर्सेस होने चाहिए? दो, and they both are emitting the same phase and same frequency of light. Yes or no? Yes sir. Okay. So guys, यहाँ पर क्या किया हुआ है? देखो, Lloyd's mirror में क्या किया हुआ है? We kept the one object source of light, real source, देख रहे हो लोग? ये red में लिखा हुआ है, red mark dot किया हुआ है वहाँ पे, real source लिखा है, दिख रहा है? हाँ, तो guys, होता क्या है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं विच इज प्रोड्यूसेस द लाइट, तो हम लोग उसको रियल सोर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग उसे? रियल सोर्स। रियल सोर्स। अब ये रियल सोर्स के सामने हम लोगों ने रख दिया एक मिरर, ये जो डार्क कलर का देख रहे हैं आप लोग, ये एक मिरर है।
अब जैसे ही यहां से लाइट एमिट होगी रियल सोर्स से, तो देख रहे हो आप लोग रेड और ब्लू, ये दो तरीके से ये मिरर पे जाके इंसिडेंट हो रहा है। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? कितने तरीके से जाके इंसिडेंट हो रहा है? दो तरीके। अब मिरर है तो इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट भी तो होगा। यस सर। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट होके एक और सोर्स क्रिएट हो जाएगा जिसे वर्चुअल सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल सोर्स। याद रखना, एक सोर्स हम लोगों ने रखा जिसकी लाइट एमिट होके कहां पर इंसिडेंट हो रही है, मिरर पे, और मिरर से इंसिडेंट होके जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो एक और सोर्स को क्रिएट कर रही है, एंड दैट सोर्स इज द वर्चुअल सोर्स। कौन सा सोर्स है ये? वर्चुअल सोर्स। वर्चुअल सोर्स। तो ऐसे भी दो, मतलब इस तरीके से भी कोहेरेंट सोर्सेस बनाया जाता है, इज दैट क्लियर ऑन, जिसे लॉयड्स मिरर कहते हैं हम लोग। याद रहेगा? हाँ सर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, फ्रेशनल बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। अब फ्रेशनल बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में गाइस, यहाँ पे देखो बायप्रिज्म रखा हुआ है ना, बायप्रिज्म का मतलब दो प्रिज्म रखे हुए हैं यहाँ पे। कितने प्रिज्म रखे हैं यहाँ पे? दो। अब हम लोगों ने क्या किया, एक सोर्स को रख दिया दो ऑब्स्टेकल के मिड में, ऐसे दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। तो अब यहाँ पर कितने प्रिज्म है? दो प्रिज्म है। तो जब ये सोर्स लाइट को एमिट करेगा, तो एमिट करने के बाद आप लोगों ने बायप्रिज्म देखा है कभी? ग्लास का होता है। दो टाइप के बायप्रिज्म रखे हैं, बायप्रिज्म से भी लाइट्स पास होती है, तो वहां से भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बनता है। तो जैसे ही ये एस से लाइट एमिट होगी, ये बायप्रिज्म से इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होगी, तो एक प्रिज्म ऊपर रखा है जिससे एस वन बन रहा है, एक प्रिज्म नीचे रखा है जिससे S2 बन रहा है। तो मतलब S1 और S2 भी यहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेस जैसा बिहेव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? दो टाइप से कोहेरेंट सोर्सेस बनाया जा सकता है, एक लॉयड्स मिरर से और दूसरा बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट से। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes. सुना आप लोगों ने, कोहेरेंट सोर्सेस कितने टाइप से बन रहे हैं? Yes. दो तरीके से। देखो बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट वहां पे इस तरीके से है। तो ये गाइस, ये बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो किया क्या है, यहाँ पे एक सोर्स रख दिया यहाँ मिड पे, तो इस सोर्स से जो लाइट जा रही है इस तरीके से, वो स्क्रीन S1 पे शो हो रहा है, तो ये S1, और दूसरा यहां से जब इंसिडेंट होगा तो इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे होगा S2। इस तरीके से दो कोहेरेंट सोर्सेस जनरेट हो रहे हैं दो मेथड से, एक लॉयड्स मिरर और दूसरा बायप्रिज्म मिरर, या फिर बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस सर। अच्छा, टेक्स्ट बुक है आप लोगों के पास? हाँ सर। आप लोग ये दोनों पॉइंट रीड करो, लेट मी नो कि क्या दिक्कतें हो रही हैं दोनों, लॉयड्स मिरर और दूसरा बायप्रिज्म मिरर या फिर बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। दोनों के पैराग्राफ रीड करो एंड लेट मी नो कि पॉइंट समझ में आ रहे हैं या नहीं। अंकुश, ग्रेजिंग एंगल मतलब? हाँ, ग्रेजिंग एंगल। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग एंगल का मतलब है ग्रास जैसा। आप लोग देख रहे हो वहां पे जो लॉयड्स मिरर है उसके अंदर ग्रास जैसे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारा रिफ्लेक्शन हुआ है, इस तरीके से गया हुआ है, फिर यहाँ पर इस तरीके से आया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत सारे रेस दिखाई दे रहे हैं जिसको हम लोग ग्रेजिंग एंगल कहते हैं, मतलब बहुत सिंपल में बोलूं तो ग्रास टाइप का एंगल। कभी ग्रास देखा है आप लोगों ने, इस तरीके से होते रहते हैं? यस सर। तो उनको ग्रेजिंग एंगल कहते हैं। सर, हम लोगों के कॉलेज में प्रीलिम्स के एग्जाम रखे हैं। हाँ, तो क्या दुख क्या है? नहीं, मैं बोल रही हूँ आपको। ओके, तो मतलब मैं लेक्चर कैंसिल करूँ? नहीं सर, नहीं, हम लोगों को पीडीएफ में क्वेश्चन पेपर्स भेजे हैं। ओके, तो लेक्चर बढ़ा दूँ?
नहीं सर लेक्चर मत बढ़ाना तुम उससे जानना क्या चाहते हो ओके मतलब प्रीलिम्स ऑनलाइन होने वाले हैं ऑफलाइन होने वाले हैं सर इन लोगों ने हम लोगों को पीडीएफ बना के ग्रुप पर सेंड किया है हम लोगों को सॉल्व करके देने पर कॉलेज में जाके ओके मतलब आप लोगों का प्रीलिम ऐसा चल रहा है इसे प्रीलिम बोले या प्रोजेक्ट राइटिंग बोले क्या मालूम सर ठीक है तो ढूंढा क्वेश्चंस ढूंढे नहीं अभी थोड़ी देर पहले भेजा था ओके ढूंढो ढूंढ लो उसको आगे बढ़ जाए अंकुश मोहम्मद मोहम्मद आवाज आ रही है आपको सर उसका नेटवर्क इशू चल रहा है मोहम्मद कोहरेंट सोर्सेज याद है कोहरेंट सोर्सेज का मतलब क्या है कि हम लोगों ने एक सोर्स से दो सोर्स क्रिएट किया था और दोनों सोर्स की इंटेंसिटी और फेज सेम थे जिससे हम लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है और इंटरफेरेंस पैटर्न से हमें पता चलता है कि कहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है और कहाँ पे डार्क फ्रिंज है यस और नो यस और नो ऑल तो ऐसे ही दो मेथड और है कोहरेंट सोर्सेस को बनाने के कौन कौन से हैं पहला लॉयड्स मिरर है और दूसरा बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है ये दोनों मेथड से हम लोग लेबोरेटरी के अंदर कोहरेंट सोर्सेस को जनरेट करते हैं जहां पर दो सोर्सेस होते हैं दोनों की इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी सेम होती है समझे मोहम्मद यस सर ओके अब आगे बढ़े एक बार रीड कर लेना कोई भी दिक्कत होगी तो पूछ लेना मुझसे ठीक है ओके सर आगे बढ़ जाएं यस सर राइट डाउन वन क्वेश्चन एक्सप्लेन व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ लेंथ एक्सप्लेन व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ लेंथ How is it different from, I repeat, explain what is optical path length. How is it different from actual path length? How is it different from actual path length? लिखे आप लोगों ने ओके एक एक पॉइंट चलते हैं राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट आंसर में पहला पॉइंट लिखो व्हेन अ वेव ट्रैवल अ डिस्टेंस डेल्टा एक्स व्हेन अ वेव ट्रैवल्स अ डिस्टेंस डेल्टा एक्स थ्रू अ मीडियम having refractive index of n likhe I'm repeating once again when a wave travels a distance delta x through a medium having a refractive index of n likhe yahan tak yes sir comma its phase changes by the same amount as it would if the wave
had traveled a distance. Wave had traveled a distance n delta x, n delta x in vacuum, n delta x in vacuum. सुना आप लोगों ने? आवाज आ रही है या नहीं? Yes sir. I'm repeating once again that point. When a wave travels a distance delta x through a medium having refractive index of n, its phase changes by the same amount as it would if the wave had traveled a distance n delta x in vacuum. अच्छा, अब ये क्या पॉइंट था मैं आप लोगों को जरा बता देता हूँ. आप लोगों ने लास्ट ईयर ऑप्टिक्स नाम के चैप्टर में वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ा होगा दैट स्पीड ऑफ अ फर्स्ट मीडियम पर यूनिट स्पीड ऑफ अ सेकेंड मीडियम इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यस और नो? यस सर. ओके, तो यहाँ पे वी वन मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, वी टू वैक्यूम को. मतलब इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, v अपॉन c म्यू. म्यू यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. म्यू क्या है यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. समझ में आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ से v फाइंड आउट करूं तो म्यू इंटू c मतलब ये वेलोसिटी कहाँ पे ट्रेवल कर रही है? वैक्यूम में. समझ में आ रहा है? एन डेल्टा एक्स क्या है? क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट से, तो हम लोग यहाँ पे लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू भी रखते हैं. याद रखना इस बात को, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू. तो अगर हम लोग यहाँ पे पाथ डिस्टेंस को मेजर करें तो जो लैम्डा टू होगा दैट लैम्डा टू विच इज इक्वल टू लैम्डा वन इंटू म्यू. इस तरीके से भी ये टर्म्स को लिखते हैं हम लोग. तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अगर ये मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो डेल्टा एक्स है, वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है तो एन डेल्टा एक्स है, वेयर द एन विच इज रिप्रेजेंटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ फर्स्ट मीडियम पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट इन अ सेकेंड मीडियम. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर. सेकेंड पॉइंट लिखो. दस अ पाथ लेंथ, दस a path length delta x, thus a path length of delta x in a medium, in a medium, thus a path length of delta x in a medium of refractive index, in a medium of refractive index, refractive index n, refractive index n is equivalent to the path length of n delta x, n delta x in vacuum, n delta x in vacuum. ठीक है सबने? रिपीट करो पॉइंट. नो सर. राइट डाउन थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट लिखो. n delta x is called, n delta x is called the optical path traveled by a wave. लिखे सबने? Yes sir. Write down in next line. This means optical path
through a medium. This means optical path through a medium is effective path. This means optical path through a medium is the effective path traveled by light in vacuum to generate the same phase difference. अब गाइस जरा ऑप्टिकल पाथ को ना थोड़ा सिंपल में लिखते हैं. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन लिख लो ऑप्टिकल पाथ, हेडिंग लिख के डेफिनेशन लिखो. सर टू जनरेट द सेम फेज डिफरेंस, जनरेट द सेम फेज डिफरेंस. ओके सर, जनरेट द सेम फेज डिफरेंस. Give the next heading optical path. थोड़ा सिंपल में लिखते हैं इसको. Write down. It is defined as either optical path is defined as optical path is defined as the corresponding path in vacuum. The corresponding path in vacuum. The corresponding path in vacuum that the light travels in the same time. That the light travels in the same time. As it takes in the given medium. सुना आप लोगों ने? I repeat, it is defined as the corresponding path in vacuum that the light travels in the same time as it takes in the given medium. लिखा सब लोगों ने? Yes, sir. अब गाइस इसको थोड़ा मैथमेटिकली मैं आप लोगों को शो करता हूँ, शायद आप लोगों को समझने में इजी हो जाए. बेसिकली वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है. ओके, तो अगर मैं टाइम फाइंड आउट करूं तो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. यस सर. ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस इन अ मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन अ मीडियम. लिख सकते हैं या नहीं? हाँ सर. ये मीडियम के कॉन्सेप्ट में है तो सेम फॉर्मेट में वैक्यूम भी तो होगा. यस सर. अपॉन वेलोसिटी इन वैक्यूम. यस सर. नो ऑल. यस सर. ओके, तो ये एक फॉर्मेट. अब अगर मैं यहां से वेलोसिटी इन दोनों को कंपेयर करूं, ये दोनों स्टेप को अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, तो अगर मैं वेलोसिटी वैक्यूम फाइंड आउट करूं, सॉरी डिस्टेंस इन वैक्यूम फाइंड आउट करूं, डिस्टेंस इन वैक्यूम इज इक्वल टू, तो वेलोसिटी वैक्यूम क्या होगा? दोनों टर्म को डिवाइड कर सकते हैं क्या? लिसन, अगर ये नहीं समझ में आता टर्म, तो दोनों डिस्टेंस, ये दोनों फॉर्मेट को डिवाइड कर सकते हैं ना हम लोग? यस ऑन ऑल. यस सर. मतलब वेलोसिटी वैक्यूम डिवाइड बाय, सॉरी नॉट वेलोसिटी, डिस्टेंस इन वैक्यूम डिवाइड बाय डिस्टेंस इन मीडियम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? स्टेप क्या होना चाहिए? वेलोसिटी इन मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन वैक्यूम, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. वेलोसिटी वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी मीडियम लिख सकते हैं इस तरीके से.
Yes or no? Because the velocity which is directly proportional to displacement. Yes or no, everyone? Yes, sir. Yes, sir. अभी यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस वैक्यूम फाइंड आउट करूं तो अब तो समझने में इजी हो गया, मीडियम इस साइड जाएगा, v वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम इनटू डिस्प्लेसमेंट इन मीडियम. यस और नो? यस सर. अब देखो वेलोसिटी वैक्यूम पर यूनिट वेलोसिटी ऑफ मीडियम, समझ में आ रहा है? अभी कुछ देर पहले मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था, स्पीड ऑफ लाइट इन अ फर्स्ट मीडियम पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट इन अ सेकंड मीडियम इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यस और नो? यस सर. कुछ देर पहले ही बताया था ना? हाँ सर. अभी तो हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज कर सकते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस क्वेश्चन में कैसा दिखाया हुआ है? एन से. किससे डिनोट किया हुआ है? एन से. इनटू डिस्टेंस इन अ मीडियम और यहाँ पे डिस्टेंस इन वैक्यूम. गाइस ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ना आप लोग, इसी फॉर्मूला को हम लोग ऑप्टिकल पाथ कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑप्टिकल पाथ. ये जो डिस्टेंस इन वैक्यूम लिखा है ना, इसी को हम लोग ऑप्टिकल पाथ कहते हैं. तो ऑप्टिकल पाथ की वैल्यू एन इंटू डी मीडियम. तो यहाँ पे नेक्स्ट में लिख सकते हो डिस्टेंस इन वैक्यूम इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ. समझे? समझ आ रहा है ऑप्टिकल पाथ क्या है? ऑप्टिकल पाथ समझ में आया क्या? सर एक बार रिपीट करना सर. क्या रिपीट करूं अंकुश, बताओ. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया. देखो ये जो टर्म लिखा है ना ये पूरा लिख लो, और जो लास्ट में डी वैक्यूम लिखा हुआ है ना ये ऑप्टिकल पाथ है, ये याद रखना. डिस्टेंस इन अ वैक्यूम व्हिच इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिस्टेंस ऑफ मीडियम इज नोन एज द ऑप्टिकल पाथ. समझ में आ रहा है सब लोगों को? बस ये फॉर्मूला को स्टेटमेंट में लिख देना है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड either the wave which is traveled a path in a vacuum is equal to refractive index of a medium into path of the length in a medium is known as the optical path. samajh mein aaya? optical path ko kaise likhoge? formula dikh ke statement mein likh dena isko. is that clear everyone? yes sir. likh lo, ye likh lo pura step. अच्छा आप लोगों को सुपर पोजिशन चैप्टर याद है क्या? सुपर पोजिशन चैप्टर याद है क्या किसी को? यस सर. यस और नो? आयुष? हाँ सर. सॉरी मोहम्मद. मैंने वहां पे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. हाँ सर याद है. और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट किया था. यस और नो? यस सर. ये रब कर दो, ये लिखा आप लोगों ने? समझ में आया ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? ये लिखा नहीं, एक मिनट सर. ये लिख लो भाई, पूरा फॉर्मूला लिख लो. You done the let me know, huh? Done, sir. Done all? Yes, sir, done. याद आ रहा मैंने कौन सा फॉर्मूला दिया था? कोई फॉर्मूला दिया था मैंने इंटेंसिटी से रिलेटेड. यस और नो? यस सर. तो गाइस अब वो जो फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, मैं एक बार वापस याद दिला देता हूँ आप लोगों को.
मैंने वहां पे मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड प्रूफ किया हुआ था, जिसे इंटेंसिटी से कंपेयर करके मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज दिए थे। एक सेकेंड, तो देखो इंटेंसिटी का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यस और नो? तो अगर आईमैक्स चाहिए तो आईमैक्स चाहिए तो एम्पलीट्यूड मैक्स होना चाहिए, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या था? ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर, यस और नो? यस सर। और आई मिनिमम क्या था? ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर, यस और नो? यस सर। ऐसा ही था? हाँ सर। ओके, तो अब गाइस अगर मुझे इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट में लिखना हो आई मैक्स, किसके कॉन्सेप्ट में? इंटेंसिटी के। सो आई मैक्स इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे ए वन स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ए वन है ना? हाँ सर। मतलब इंटेंसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर मुझे ए फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, यस और नो? यस सर। तो ए वन की जगह पे क्या रख सकते हैं? अंडर रूट आई वन। ए टू की जगह पे क्या रख सकते हैं? अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर। समझ में आया फॉर्मेट? सर एक बार रिपीट करो सर, मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। मोहम्मद, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड से, ये बात मैंने आप लोगों को सुपरपोजिशन में बताया था, डेरिवेशन दिया था और नोट पे कराया था। तो मैक्सिमम और मिनिमम का मैंने फॉर्मूला वहीं पे दे दिया था। मैक्सिमम मतलब a1 plus a2 का होल स्क्वायर, मिनिमम मतलब a1 minus a2 का होल स्क्वायर, यस और नो? यस सर। ओके, तो अभी यहाँ पर अगर मुझे इंटेंसिटी के ही फॉर्मेट में लिखना है मैक्सिमम कंडीशन, तो a1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? देखो i किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? a स्क्वायर से। तो अगर मुझे i चाहिए, a की जगह पे i लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो जहां पर a है उसकी जगह पे क्या लिखना होगा? अंडर रूट i, यस और नो? यस सर। समझे मैंने क्या बोला मोहम्मद? मोहम्मद यस सर, समझा सर। तो अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर मुझे इंटेंसिटी मिनिमम का फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग? अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर, यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये फॉर्मूला लिख लो, अभी काम आने वाला है आपको, ये लिख लो पूरा फॉर्मूला। लिखे सबने? यू गाइस डन? देन लेट मी नो। हां इट्स ऑल डन सर। ओके, चेक दिस न्यूमेरिकल, वेयर इज इट? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ दिस स्लिट। न्यूमेरिकल पेज निकाल लो सब लोग। सर क्वेश्चन नंबर 20, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट, यंग्स एक्सपेरिमेंट। यस, वेरी नाइस। 20 सर। वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ इंटेंसिटी फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा है, कर सकते हो क्या? ट्राई करते सर। ट्राई करो एंड लेट मी नो।
कुछ समझ में आ रहा है सर? ब्राइट फ्रिंजेस के लिए आईमैक्स लेना पड़ेगा। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए IMAX equal to under root I1 plus I2 the whole square. Yes, yes. Bright मतलब max और dark मतलब minimum. Yes sir. Intensity के concept में है तो maximum और minimum दोनों का तो formula मैंने यहाँ लिख रखा है। Yes sir. लेकिन यहाँ पे कुछ तो बोला हुआ है, the intensity of the light coming from one of the slit in Young's experiment is twice the intensity of light coming from the other slit. मतलब I1 is equal है to I2. I2 से टू टाइम ग्रेटर है। यस और नो? यस सर। अच्छा ये फॉर्मूला रब कर दूं चलेगा ना? आप लोगों ने लिखा होगा आज आई थिंक। यस सर। ओके तो यहाँ पे आई वन क्या है आई टू से टू टाइम ग्रेटर है। यस और नो? यस सर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कुछ पता है? द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। यस सर। ओके ओके सो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मतलब आई मैक्स ऊपर न्यूमरेटर में और आई मिनिमम नीचे डिनोमिनेटर में। यस और नो? तो अभी तो मैंने फॉर्मूला दिया है अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 minus under root I2 whole square। ये फॉर्मूला समझे? हाँ सर। तो I1 के को किससे रिप्लेस करेंगे? 2 I2 minus under root I2 same under root sir I2 हाँ plus माइनस अंडर रूट आई टू द होल स्क्वायर। यस और नो एवरीवन? यस सर। ओके अब यहाँ पे इंटेंसिटी कुछ गिवन है क्या? इंटेंसिटी की कोई वैल्यू? नो सर। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज ट्वाइस द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम अदर स्लिट। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ intensity of the bright and dark fringes of the resultant interference pattern। देखो कुछ भी नहीं given है ना? No sir। तो कुछ भी नहीं given है तो क्या कर सकते हैं? क्या ले लेंगे कुछ नहीं given होगा तो? कुछ नहीं given होता तो क्या ले सकते हैं? देखो पहली बात तो I2 common हो सकता है ना? common होके cancel हो सकता है या नहीं? हाँ sir। तो इसके आगे का काम कर सकते हो या नहीं? क्या इसके आगे का काम हो सकता है क्या? Let me know everyone। अहमद, इसके आगे का कैलकुलेशन कर सकते हो क्या? सर 3-2-1 क्या आ रहा है? 3:1 आपको क्या दिया आंसर में? क्या गिवन है टेक्स्टबुक के आंसर में? क्या गिवन है? 34 सर। 34 वैल्यू दिया है यहाँ पर तो ध्यान से। आंसर 34 ऐसे दिया है सर। आंसर 34 दिया ना मतलब रेशियो के फॉर्मेट में नहीं, नहीं इन्होंने बोला तो है बट निकाला नहीं है। तो 34 कैसे निकालेंगे मोहम्मद? नहीं मालूम सर। अरे देखो सामने दिया हुआ सॉल्यूशन। इतना मैंने कर दिया हुआ है। इसके बाद का काम आज आप लोग घर पे इसको सॉल्व करोगे और अगले लेक्चर में मुझे ये बताओगे कि आप निकाल पाए या नहीं। करोगे इतना काम? सर वो 34 क्यों दिया है फिर? अरे 34 आंसर है। 34 आंसर निकालना है आपको। सॉल्व कर लो ना सर। रेशियो टाइप में क्यों नहीं दिया फिर? ठीक है ना मतलब इन्होंने ऐसा किया हुआ है बट आपके नीट और जेईई में ऐसा नहीं होगा। डोंट वरी। सो 34:1 ऐसे हम लोग आंसर आना चाहिए। 34:1 नहीं मतलब इन्हों के रेशियो के फॉर्मेट में निकाला ही नहीं है। 1 भी नहीं होना चाहिए।
तो आप लोग एग्जाम में रहना तो रेशियो के फॉर्मेट में ही निकालना चलेगा, ठीक है? ठीक है, ओके सर। ओके सर। अच्छा मेरी वॉइस इको हो रही है क्या? हाँ सर, बीच बीच में। ओके ओके, नेक्स्ट विल मूव। ये न्यूमेरिकल आप लोग अगले लेक्चर में मुझे बता रहे हो करके सॉल्व, कर पाओगे या नहीं? ओके सर, एटलीस्ट ट्राई तो करो। एटलीस्ट यस सर। हाँ सर। ओके, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज द डायफ्रेक्शन। एवरीवन, डायफ्रेक्शन के बारे में पहले कभी सुना है? नहीं सर, किसी ने भी नहीं सुना है डायफ्रेक्शन के बारे में? सर सुना है बट, सर बट याद नहीं आ रहा है, सुना था डायफ्रेक्शन। सर आपने बताया था डायफ्रेक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट सपोज यहां पे ये भी कैप द वन ऑब्स्टेकल। सर आपका वॉइस प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर नहीं आ रहा? हां सर। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? सर बीच बीच में बहुत खराब हो रहा है सर। मेरा नेटवर्क कंप्लीट है, सबको ब्लर हो रही है क्या? यस सर, बीच बीच में हो रहा है सर। लिसन, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है। ओके, जैसे ही ये सोर्स ऑफ लाइट लाइट को एमिट करेगा, लाइट यहाँ पर आके इंसिडेंट होगी। यस और नो? यस और नो? ऑल। अब या तो रिफ्लेक्ट होगी या तो रिफ्लेक्ट होगी, दो ही कंडीशन है। क्या होगा? या तो रिफ्लेक्ट होगा या तो रिफ्रैक्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर रिफ्लेक्ट होगा तो लाइट बेंड होगी। यस और नो? यस और नो एवरीवन? यस और नो? चाहे रिफ्लेक्ट हो चाहे रिफ्रैक्ट हो, लाइट क्या होगी? हमेशा बेंड होगी। आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ सर, आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यहाँ पर मैंने क्या बोला, जब कोई भी लाइट किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो दो कंडीशन होते हैं, या तो रिफ्लेक्ट होगी या तो रिफ्रैक्ट होगी। यस और नो? यस सर। तो दोनों ही कंडीशन में लाइट क्या हो रही है? बेंड हो रही है। दोनों ही कंडीशन में लाइट क्या होगी? बेंड हो रही है। बेंड हो रही है, तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को डायफ्रेक्शन कहते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? डायफ्रेक्शन। सुना सब लोगों ने बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? यस सर। लिख लो डेफिनेशन, लिख लो। Give the heading diffraction, diffraction of light, give the heading. Yes, sir. Write down, the bending of light near the edge of an obstacle or slit, मतलब ये जो मैंने रेड कलर का ये लाइन बनाया है ना, इसको ऑब्स्टेकल भी कह सकते हो और स्लिट भी कह सकते हो। सुना आप लोगों ने? Can you repeat, sir? The bending of light near the edge of an obstacle or slit, the bending of light near the edge of an obstacle or slit. Likhe? Yes, sir. And spreading into the region of geometrical shadow is called what?
डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट, समझ में आ रहा डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या है? डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट समझ में आया? यस सर। हाँ सर। बेंडिंग ऑफ लाइट हमेशा याद रखना, लाइट बेंड कहाँ पर होती है, ऑब्स्टिकल पे या फिर स्लिप पे, यस और नो? यस सर। ओके, अब गाइस ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इसको हम लोग दो तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैंने आपको डेफिनेशन में दिया है ज्योमेट्रिकल शैडो, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। तो अगर आप लोग दो ऑब्स्टेकल को इस तरीके से रख लो, एक को यहाँ और एक को यहाँ, ऐसे मैंने दो ऑब्स्टेकल्स रख लिए, ठीक है, और एक सोर्स को रख दिया यहाँ पे मिड पे, दैट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ से जो लाइट गाइस ट्रैवल करेगी वो या तो इस तरीके से ट्रैवल करेगी या तो इस साइड, मतलब आप लोगों को जो लाइट दिखाई देगी, जो ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई देगा, वो इस तरीके से बीच में ही दिखाई देगा, और ऊपर और नीचे यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल शैडो दिखाई देगा। ज्योमेट्रिकल शैडो मतलब आपको वहां पर शैडो टाइप का दिखेगा। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो, अगर ऑफलाइन लेक्चर में होते तो मैं ये करके दिखाता आप लोगों को। यहाँ पे लाइट मतलब सामने की तरफ आप लोगों को काफी ज्यादा रोशनी दिखाई देगी, और उसके ऊपर आपको शैडो दिखाई देगा, मतलब डार्कनेस दिखाई देगा। हाँ सर, समझ रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे भी कर सकते हो। अब सेम कॉन्सेप्ट में अगर मैं एक सोर्स को वापस यहाँ पे रख दूं, ओके, और ऑब्स्टेकल को मैं यहाँ पे बीच में रख दूं, अगर ऑब्स्टेकल को ऐसे बीच में रख दूं तो जो लाइट होगी वो इस तरीके से ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी, बीच में आपको ज्योमेट्रिकल शैडो दिखाई देगा। जो ज्योमेट्रिकल शैडो है यहाँ बीच में दिखाई देगा। एक काम करो, आप लोग दीवार के पास जाओ, फ्लैश ऑन करो और पेन रखो उसके सामने, दीवार के पास में जाओ, लाइट ऑफ कर दो घर की और फ्लैश ऑन करो, तो यहाँ पर पेन जैसे ही रखोगे तो ऊपर और नीचे लाइट दिखाई देगा और बीच में ज्योमेट्रिकल शैडो दिखाई देगा इस ऑब्स्टेकल का, ये ऑब्स्टेकल का शैडो यहाँ पे दिखाई देगा। देखो, ट्राई करो, दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है, दिख रहा है सर। यस सर। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट के दो कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से लाइट बेंड हो पाती है, समझ में आ रहा है? यस सर। अब अगर दो पेन ले लोगे, दोनों लाइट के बीच में ऐसा रखोगे, लाइट को बीच से पास करोगे, तो आपको बीच में ऐसा रोशनी दिखाई देगा, ऊपर नीचे शैडो दिखाई देगा। तो गाइस ये डायफ्रेक्शन कंडीशन के पैटर्न्स हैं, ठीक है? समझ आ रहे हैं टर्म्स? यस सर। अब गाइस दो टाइप के डायफ्रेक्शन है आपके पास, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायफ्रेक्शन, एक है फ्रेशनल डायफ्रेक्शन और एक है फर्नोफर डायफ्रेक्शन। फ्रेशनल डायफ्रेक्शन में गाइस जो सोर्स और स्क्रीन है वो दोनों हमेशा फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, और फर्नोफर डायफ्रेक्शन में सोर्स और स्क्रीन जो है वो हमेशा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। सुना आप लोगों ने? यस सर। देखो टेक्स्ट बुक लिख लो, आप लोग ये पॉइंट हो सके तो लिख लो, गिव द हेडिंग फ्रेशनल डायफ्रेक्शन, FRESNEL, फ्रेशनल डायफ्रेक्शन लिखे? हाँ सर। राइट डाउन डेफिनेशन, डायफ्रेक्शन पैटर्न in which a source of light and screen, diffraction pattern in which source of light and screen are kept at finite distance from the slit. लिखे?
यस सर, समझ में आ रहा है फोनों पर डायफ्रेक्शन में क्या लिखना है आप लोगों को? सर वहां पे सोर्स का जो स्लिट है और जो स्क्रीन है वो दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, अब गाइस अगले लेक्चर में हम लोग इसी प्रॉपर डायफ्रेक्शन के कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके विड्थ के बारे में। ओके, तो अगले लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे कि चैप्टर थ्योरेटिकली खत्म हो जाए, ज्यादा पॉइंट नहीं बचा है और जो रिजॉल्विंग पावर है वो पूरा का पूरा निगलेक्ट है। ओके, रिजॉल्विंग पावर ओके सर। ओके गाइस, देन वी स्टॉप हियर, आई हैव अ नेक्स्ट लेक्चर। हेलो, उसके भी ट्रिक्स बताऊंगा। अभी फिलहाल आप अपने हिसाब से उनको रिवाइज करते रहो, ठीक है, क्योंकि अभी क्विक रिवीजन नहीं कर पाओगे, अच्छे तरीके से ही रिवीजन करना होगा। ओके, तो ट्राई करो कि जितने भी डेरिवेशन है उनको दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस करो, थ्योरेटिकल समझो, न्यूमेरिकल समझो, तो जाके सही तरीके से रिवीजन हो पाएगा। सर मुझसे न्यूमेरिकल नहीं होगा। न्यूमेरिकल के लिए मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट फॉलो तो करो। मोहम्मद, मोहम्मद यस सर, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है क्या कभी आप यूज करते हो क्या न्यूमेरिकल करने के कुछ रूल्स बता रखे मैंने? यस सर, आपने बताया ना कैसे, मतलब पहले गिवन निकालना है फिर उसमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, सर उसी की बात कर रहे हैं ना। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, एक नहीं एटलीस्ट दो बार फाइंड आउट द गिवन। अगर गिवन फाइंड आउट करने में तकलीफ हो रही है तो पीछे का यूनिट चेक करो, यूनिट आपको गाइड करेंगे कि हमेशा गिवन में क्या दिया है। उसके बाद अगर आपने चैप्टर पढ़ा है ना गाइस, तो डेफिनेटली आपको फॉर्मूला क्लिक होंगे, और अगर आपने गिवन फाइंड आउट किया हो तो सबके सिस्टम सेम होने चाहिए या फिर हमेशा एसआई यूनिट में रखो, जितने भी गिवन होंगे सबको एसआई यूनिट में रखना है। सुना सबने? यस सर। एक बार ट्राई तो करो ये फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट से तो हम लोगों ने 11th में भी कितने सारे न्यूमेरिकल किए। क्या यार लास्ट मोमेंट पे कैसे काम चलेगा ऐसे बोलोगे तो? हां सर ट्राई करते हैं। Try करो, at least try करो, I'll help you, don't worry. Sir, sir. Okay, guys. Sir. Let's stop here. हाँ, हाँ. Revision हम लोग को मतलब अलग से करा हुई है क्या? हम लोग तो JEE अभी नीट जो नहीं दे रहा है, अभी JEE तो start हो जाएगा, तो उसके लिए revision कराएं। Offline revision सारे offline में रखने वाला हूँ। जितने भी revision होंगे, वो offline में होंगे और जल्दी ही होंगे, okay? जी हाँ सर, जिनका दोनों भी नहीं है तो उनका अलग से लेंगे क्या? उसी में रिवीजन करा देंगे, उसी में रिवीजन टाइम पे बैठ जाना, न्यूमेरिकल के टाइम पे आप चले जाना, जो लोग देने वाले हैं वो न्यूमेरिकल के टाइम पे रुक जाएंगे। सर पर अगले वीक में बोला है कि रिवीजन और नीट सीटी मतलब नीट जेईई चालू करवाएंगे। लिसन, आप लोगों को मैं चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, रिवाइज करने के बाद आप चले जाना, अगर आप नीट और जेईई देने वाले हो तो न्यूमेरिकल में रुक जाना, समझे? ओके सर, रिवीजन सबका साथ में ही चलेगा, खाली नीट और जेईई के न्यूमेरिकल करने के टाइम पे आप लोग चले जाना, जिनका होगा वो रुकेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके बाय ऑल, थैंक यू सर।